वहां से आने के बाद डायरेक्टली टेस्ट लो। हाँ, कौन से प्रकार कार्बन एमिशन का केमिकल इक्वेशन रिएक्शन सर तीन सर एक ही चैप्टर सर आपने तो पहले एक ही बोला था सर लाइफ प्रोसेस कर रहे हो हमें बनानी है बनाने की जरूरत नहीं है रहने दो बस देख लेना अभी ये बुक में देख रखी है बनाने की ऐसा कोई जरूरत नहीं नॉन फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर जो इस तरफ है तो मैं बोलूंगा पीरियड वन इसको बोलूंगा पीरियड टू ये हो जाएगा पीरियड थ्री ये पीरियड फोर पीरियड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पीरियड सिक्स पीरियड सेवन
जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो ये हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग्स है ये 7 पीरियड्स होते हैं, और जो वर्टिकली होते हैं, वर्टिकल ग्रुपिंग जो होते हैं उनको हम ग्रुप बोल देते हैं। तो ये होता है ग्रुप वन, ग्रुप फर्स्ट, ये ग्रुप सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 फाइनली 18। तो टोटल 18 ग्रुप होते हैं, और इसको ये जो 18 ग्रुप है इसमें आप ये देखिएगा कि एलिमेंट्स किस तरीके से हैं। सबसे पहले होता है हाइड्रोजन और हीलियम, फिर होता है लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। कैसे याद करेंगे? एच और एच ही तो हा ही, इस तरीके से तो पहला हो गया। दूसरा ली बेब का नॉफ नी, ली बेब का नॉफ नी, ये आपका हो गया दूसरा पीरियड। तीसरा पीरियड क्या हो जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और कार्बन, इसको बोलेंगे नामगार सिप सकल अब। नामगार सिप सकल अब कैसे आपको ठीक लगे, जिस तरीके से, चाहे आपको पूरा पूरा नाम याद करके करना है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, याद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, ये तो याद कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ तक करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा बस 20 तक करना है। हाँ बस 20 तक कर लीजिए, उससे आगे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब सर जैसे यहाँ तक कर दिया, हाँ जी बताइए। कुछ नहीं सर। 20 तक मतलब सर ये पीरियड तो साथ ही है ना। अच्छा 20 एलिमेंट पर भाई, एक दो दो तो ये हो गए, दो एलिमेंट टोटल 20 कर लीजिए, 20 से ज्यादा की जरूरत पड़ती नहीं, बस फिर यहाँ तक 4 तक हो जाएंगे। उसके बाद देखिए पीरियड नंबर 4 जो है, पीरियड नंबर 4 में हमारा होता है शुरू पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इसके आगे भी ना तो मैंने याद कर रखी और ना जरूरत पड़ती उसके आगे, ठीक। उसके आगे मैं बनाने के लिए बना देता हूँ, लेकिन उसके आगे जरूरत पड़ती नहीं है हमको एलिमेंट्स की। ये हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक, सेलेनियम, सेलेनियम के बाद ब्रोमीन और क्रिप्टन। सर आप ब्लैकआउट हो गए। सर आप ट्वीट नहीं देखे। ठीक है। यस सर। अभी ठीक है। अब जरा देखिएगा कि ये जो है ना सीक्वेंस में इनको याद करने का जो है वो फायदा क्या है। फायदा ये है कि इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, फिर इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो ये सीक्वेंस है जो है ये एटॉमिक नंबर है, तो आप एटॉमिक नंबर इनके याद करते चले जाइए या फिर एलिमेंट्स याद कर लो। तो मेरे हिसाब से तो एलिमेंट्स याद करिए। एलिमेंट्स आपके हो गए लिबेल कनॉफ नी, है ना, ये अगर आपने याद करा लिबेल कनॉफ नी, सबसे पहले हाँ ही आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप कार्बन का बता दीजिए, तो कैसे बताएंगे आप? कहेंगे हा ही ली बे ब क मतलब सी, है ना, तो ये छठे नंबर पर आ गया, तो इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो इस सीक्वेंस में याद करो, बस सीक्वेंस रटना, सीक्वेंस रटते एटॉमिक नंबर अपने आप याद हो गए। जिस नंबर पर वो लाई करेगा वही उसका एटॉमिक नंबर। छठे नंबर पर कार्बन लाई कर रहा है तो 6 है, सातवें नंबर पर नाइट्रोजन लाई कर रहा है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, इसी तरह से। मैं आपको चीज बता दूं सर, वो एक मेरे दोस्त ने मुझे एग्जांपल लेके कुछ क्वेश्चन भेजे थे,
उसके सर ने कहा था ये उसने मुझे भेजे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स में आ सकते हैं। अच्छा सर मैं आपको पूरा पीडीएफ भेज दूँ, आप करा दो पूरा करा दो। हाँ करा देंगे तो भेज दो फिर। हाँ जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, मैं तो एक शॉर्टकट तरीका बता रहा था, अगर अगर कर रखा है तो ठीक है वैसे करो। सही है, समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप ये देखिएगा कि ये पीरियोडिक टेबल है तो पूरी पीरियोडिक टेबल मेरे को याद करने की जरूरत नहीं है, हमने इतना भी कर लिया तो भी बहुत है, ज्यादा हो तो आप पीरियड फोर तक याद कर लीजिए। उसके बाद जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर, तो वो किस तरीके से बनते हैं वो देखते हैं जरा। हम ये कहेंगे पहले तो यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे ना, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। हाँ द हॉरिजॉन्टल रोज ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एडिट डाल लीजिएगा बस। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एक ही बात है। तो इसमें ये कहेंगे द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल horizontal rows of elements in a periodic table are called rows, sorry, periods, are called periods. उसके बाद देखते हैं फर्स्ट पीरियड जो है ना, फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। उसका रीजन क्या है, रीजन आप समझ ही गए कि भाई पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, पहले पीरियड में एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है तो इसलिए इसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। दूसरे पीरियड में और तीसरे पीरियड में दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, आठ आठ एलिमेंट्स हैं। तो हम ये कहेंगे सेकेंड पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, जैसे वो वेरी शॉर्ट है तो इसको बोलेंगे सिर्फ शॉर्ट, इस कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। सिमिलरली जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड को भी हम शॉर्ट पीरियड ही कहेंगे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फिर फोर्थ पीरियड को और फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहेंगे। फोर्थ पीरियड is called long period. Similarly, the fifth period is also called long period. Sixth period जो है, sixth period is called very long period. इसमें 32 elements होते हैं, और seventh period है, सेवन पीरियड इज इनकम्प्लीट। सातवां पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब ये नहीं है कि ये पीरियोडिक टेबल जो है ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, ऐसा नहीं है। इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि जिसने भी ये पीरियोडिक टेबल बनाई, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने बनाई, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने खाली छोड़ दिए कुछ कॉलम, कुछ ब्लॉक्स खाली छोड़ दिए कि अगर फ्यूचर में कुछ नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो वो वहां पर एडजस्ट हो जाए, ठीक है, तो इसलिए उसको इनकम्प्लीट बोला जाता है। अब इसके बाद हम इसकी ना प्रॉपर्टीज देखेंगे,
तो ये तो जैसे हॉरिजॉन्टल रोज, ये तो बात हुई पीरियड्स की, उसके बाद बात करेंगे ग्रुप्स की। अब देखिएगा द वर्टिकल कॉलम्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। The vertical columns in a periodic table are called groups. अब जो कहानी है सारी की सारी वो periods of groups की ही है। हमें ये देखना है कि इनकी properties, characteristics जो है elements के, वो ग्रुप में कैसे चेंज होते हैं और पीरियड्स में किस तरीके से चेंज होते हैं, ठीक है। और अब बस आप ये समझ लीजिए कि अब जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अब चल रही है, अब चल रही है, वो इम्पोर्टेंट चीज है। और अगर आज की क्लास में नहीं हो पाया तो कल भी फिर मैं मैथ्स में करा के इसको कंप्लीट ही कर दूंगा, तो हमने क्या करा कि पीरियड्स के और ग्रुप्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करें। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो हम ये देखकर कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में लाइक कर रहा है, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में लाई कर रहा है, हम उसे देखकर ये बता सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टीज क्या क्या, प्रॉपर्टीज तो बताने कितनी होती है, मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, बताने कितनी प्रॉपर्टीज। लेकिन अपने सिलेबस में एनसीईआरटी की देखें तो एनसीईआरटी में चार दे रखी है, लखनऊ की देखें तो उसमें छह दे रखी है, ठीक है। पर मैं इससे बाहर पूछ लिया, कुछ नहीं पूछे पीरियड बोर्ड्स और कुछ नहीं पूछे, टेंथ क्लास में हुआ भाई ऐसे कर। करेक्टरिस्टिक जितना बता रहा हूँ आप समझ लो टेंथ से भी थोड़ा सा फालतू बता रहा हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं पूछे। नोट करिएगा, हेडिंग डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल इस तरह से डिजाइन करेंगे कि अगर मुझे पीरियड की प्रॉपर्टी और ग्रुप की प्रॉपर्टी पता चल जाए तो मुझे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत ना पड़े। मैं बता दूं भाई पहले पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी ये प्रॉपर्टी है, दूसरे पीरियड में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उनकी ये प्रॉपर्टी है। तो ये सोचकर पीरियडिक टेबल डिजाइन करी गई थी ताकि हमको फायदा हो। तो फल तो मैं आपके पास अरेंज कर रहा हूं, वैसे याद कर लूंगा क्या, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, अब इसमें हम ये कहेंगे सबसे पहले अगर पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखूंगा और अगर मैंने पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक समझ ली तो मुझे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक समझने में दिक्कत नहीं होगी, काफी हद तक मिलती जुलती। तो देखिएगा पहले वह स्टडी लिस्ट में डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स पीरियड्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। पहली करेक्टरिस्टिक लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, छह होंगी बस इसमें, और वो छह की छह मुझे लगता है पीरियड को मैं आज निपटा दूंगा, ग्रुप पर निपटा दूंगा, कोशिश करता हूँ। टाइम कितना बच रहा है, आधा घंटा है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए पहला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
और कोई भी अगर प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी अगर ना समझ में आए तो तुम दोबारा पूछना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। एक लाइन लिखेंगे बस, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, moving to second point hai na, first point ka explanation so on moving from left to right in a period on moving from left to right in a period comma the number of valence electrons in elements the number of valence electrons the number of valence electrons in elements increases from 1 to 8 ब्रैकेट में लिखना ना एक्सेप्शन पीरियड वन, अभी इसको देखेंगे पीरियड वन को भी बताते हैं क्या। और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। हम एग्जांपल के तौर पर कोई भी एक पीरियड ले लेते हैं। मैंने क्या करा, मैंने पीरियड बेस स्टडी कर दिया, पीरियड टू और पीरियड थ्री। और आप ये देख लेना पीरियड टू और पीरियड थ्री में से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्यादा उनको ये नहीं होता कि पीरियड फोर में आप फाइव में पहुंच जाए, वो एक्चुअली आपके लेवल से बहुत ऊंची चीज होगी। अभी टेंथ क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके दो ही पीरियड है, पीरियड टू और पीरियड थ्री, उसमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा एक्सेप्शन पीरियड वन है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल मैंने ले लिया पीरियड थ्री का, पीरियड थ्री का नहीं पीरियड फोर का नहीं, चलो पीरियड फोर का लेते हैं, मर्जी है कोई भी लो। एग्जांपल ले लिया मैंने पीरियड 4 का, तो पीरियड 4 के आठ एलिमेंट मिल रहे हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, पीरियड 3 में पीरियड 4 सॉरी पीरियड 3 है, पीरियड 3 है सॉरी पीरियड 3। अब देखिएगा जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11, 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया 2, 8, 1। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 12 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया 2, 8, 2। एल्युमिनियम का होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया 2, 8, 3। सिलिकॉन का 14, तो 2, 8, 4। फास्फोरस का 15, तो 2, 8, 5। सल्फर का 16, 2, 8, 6। क्लोरीन का 17, तो 2, 8, 7। आर्गन का 18, तो 2, 8, 8। पार्टीशन कर दिया आपका। अब आप ये देख लीजिए कि मैंने पीरियड थ्री के सारे एलिमेंट्स लिखे, तो पहले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। आप ये देखिएगा कि अगर मैं किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट बढ़ता हूँ तो हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 से लेकर 8 तक जाते हैं। ये चीज एप्लीकेबल पीरियड नंबर 4 में भी होगी, ये चीज एप्लीकेबल पीरियड नंबर 5 में भी होगी। रीजन क्या है कि हम ये कहते हैं कि हमने पढ़ा तो है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, दूसरे में 8 आने चाहिए, तीसरे में 18 आने चाहिए। ठीक, लेकिन
18 तक इलेक्ट्रॉन्स जाते नहीं, क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते ही जो एलिमेंट है वो अपने आप में इतना स्टेबल हो जाता है कि उसको और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देता है अगले शेल। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट शेल में 8 ही जा सकते हैं। इतना ज्यादा डीप में आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको बस ये याद रखना है कि अगर मैं पीरियड की प्रॉपर्टी कह रहा हूँ तो पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से वेरी करते हैं, और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8, आपको साफ दिखाई दे रहा है, 1 से लेकर 8 तक कोई इंक्रीज होता है, एक्सेप्शन पीरियड 1 ही। आप कुछ समझ गए होंगे, पीरियड 1 में आउटर मोस्ट में कितना 1 इलेक्ट्रॉन और पीरियड 2 में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो पीरियड 1 जो है वो एक्सेप्शन है उसको छोड़ो। हां ठीक है सर, मतलब इसके पहले आप मेरे को ये बताइए इसके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पीरियड्स के? 6 आपको यही करके दिखाना, आपको ये याद रखना है इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आएंगे लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है ना, बस आपको ये याद रखना है इनको हमें अप्लाई कैसे करना है वो आप देख लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। इस चैप्टर के क्वेश्चन सबसे पहले बच्चा जाकर ढूंढता है एक तो इसके और एक केमिकल इक्वेशन वाला जो पहला चैप्टर है, मैं फटाफट केमिस्ट्री में तो वो पोर्शन नहीं था, ये आसान है मुश्किल इसे फिर याद करने की जरूरत नहीं, मतलब कुछ अलग डेफिनेशन वगैरह था ना, जितना बता रहा हूँ ना बस इतना, जो नोट्स बनवाता चल रहा हूँ बस उतना उतना याद कर लेना, उसके अलावा क्वेश्चन उठा लेना सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझ गए? पहली तो प्रॉपर्टी ये हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी नोट करिएगा बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी है वैलेंसी, पहली थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरी है वैलेंसी, मैं ये बता रहा हूँ, ये नोट कर लिया सबने, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए। यस सर कर लिया। अनमोल के अलावा बाकी अक्षत, भव्य, दीपांशी, देवशी, यस सर नोट कर लिया, रुद्रांश हो गया, चलिए जी ठीक है सर। हाँ बोलो सॉरी, पर क्या ऐसे रीजन नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है? रीजन का एटॉमिक नंबर से क्लियर है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रीजन पूछा जाता है प्रॉपर्टीज का, लेकिन यहाँ रीजन कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ का रीजन सीधा सीधा ये है कि इट इज क्लियर फ्रॉम देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज़ देयर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, सो द लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो आउटर मोस्ट शेल में हम देखते जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 8 तक बढ़ रहे हैं, हम ये कहेंगे इट इज एविडेंट फ्रॉम देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर हम ये बता रहे हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर मैंने बताया कि आउटर मोस्ट में 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बताया कि इसके आउटर मोस्ट में 3 है, समझ गए? यस सर। पीरियड 1 एक्सेप्शन, ठीक है? यस सर। उसके बाद सेकंड देखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी है वैलेंसी, सेकंड प्रॉपर्टी है वैलेंसी, वैलेंसी में लिखेंगे और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ईच शॉर्ट पीरियड moving from left to right in each short period moving from left to right in each short period from now the valency of elements increases from 1 to 4 the valency of elements increases from 1 to 4 and then decreases to 0 and then decreases to 0 on moving from left to right in each short period, short period yahi hai hamare period number
यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाता है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि चलिए एग्जांपल ले लेते हैं फिर से इंटीरियर थ्री का। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और कार्बन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281, मैग्नीशियम का 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282 और एल्यूमिनियम का 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 283, सिलिकॉन का 14, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 284, फॉस्फोरस का 15, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, सल्फर का 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, क्लोरीन का 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, कार्बन का 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। तो आप ये देखिएगा कि ये जो चीज मैंने यहाँ पर मेंशन करी है ये क्या है, एटॉमिक नंबर, इसके नीचे जो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर सबसे नीचे मैं मेंशन करता हूँ चलिए वैलेंसी। तो वैलेंसी में आप ये देखिए कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो चाहेगा ना कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1+, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो इसकी वैलेंसी 2+, ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा 3+, और ये डोनेट भी नहीं करेगा, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, शेयर करेगा, तो इसकी वैलेंसी 4 है, ना प्लस ना माइनस, को वैलेंसी बोलते हैं, उसकी माइनस 3। फिर ये क्या करेगा, ये 5 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3-, ये 6 है आउटर मोस्ट शेल में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 2-, इसमें 7 है तो ये बाहर से कितने लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1-, इसकी वैलेंसी हो गई, और यहाँ पर तो आउटर मोस्ट में 8 ही है तो इसको तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, स्टेबल है, यानी कि इसकी वैलेंसी 0 हो गई। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मुझे एक चीज समझ में आती है कि वैलेंसी 1, 2, 3, 4 1 से लेकर 4 तक राइज हुई और फिर अगेन 3, 2, 1, 0, अगर साइन आप हटा दें तो आप ये देखेंगे कि वैलेंसी जो है सबसे पहले 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज हुई एंड देन अगेन रिड्यूसेस टू 0, ठीक है, क्लियर। तो ये वैलेंसी हो गई, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सीधा सीधा अगर कुछ भी पूछा जाता है तो इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन that by on moving from left to right in a period the valency first increases from 1 to 4 and then again reduces to 0, once se 4 tak badhegi fir wapas 0 par aayegi, aur zero par aayegi definition likhi hai isliye wo bana ha, agar directly pucha jata hai, jabki directly nahi aayenge questions mein bataunga, questions thode se ghuma kar puchta, samajh gaye ji, dusri property clear, to pehli property kya thi period ki, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 8, पहली प्रॉपर्टी खत्म। दूसरी प्रॉपर्टी वैलेंसी, वैलेंसी में क्या होता है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ शॉर्ट पीरियड द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 4 एंड देन अगेन रिड्यूसेस टू 0, ठीक, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसी से समझ में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड देखेंगे साइज ऑफ एटम्स और एटॉमिक साइज, साइज ऑफ एटम्स है और एटॉमिक साइज, थर्ड प्रॉपर्टी साइज ऑफ एटम्स size of atoms or atomic size।
बस एक मिनट वेट करिए, मैं पानी पीकर आता हूँ। Size of atoms or atomic size, this may note करेंगे on moving from left to right in a period. Moving from left to right on moving from left to right in a period. For moving from left to right in a period of the periodic table, the size of atoms decreases. The size of atoms decreases. For example, सभी में period three ले रहे हैं, तो यहाँ पे period three ले लीजिए, sodium, magnesium. एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन छोड़ो, क्लोरीन तक भी करो, इसके बाद भी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। तो देखिएगा एटॉमिक रेडियाई, मैं इधर लिख रहा हूँ, एटॉमिक रेडियाई, रेडियाई क्या होता है, रेडियस की प्लूरल फॉर्म को ही रेडियाई बोलते हैं। सोडियम का एटॉमिक रेडियस कितना है, 186, मैग्नीशियम का 160, एल्यूमिनियम का 143, कुछ नहीं इसको उसमें दिक्कत ना हो जाए तो करने की जरूरत है, 143, 118, 110, 104 और क्लोरीन का 99। अभी तक हमने बस ये बोल दिया कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जब हम किसी पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होता है। अभी तक हमने ये बोला क्यों होता है, रीजन तो नहीं पता, रीजन लिखते हैं इसका। रीजन लिखिएगा कि ऐसा क्यों होता है, लिखिएगा एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट As we move from left to right in a period, the atomic number of elements increases. The atomic number of elements increases. The atomic number of elements increases, which means that the number of protons and electrons in the atom increases. It means that the number of electrons and protons increases. It means that the number of electrons and protons increases. और ब्रैकेट में लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, the extra electrons being added to the same shell
extra electrons being added to the same shell. Same shell SHE bracket close करो, फिर लिखिएगा due to large positive charge on the nucleus, इसको आप second point बनाकर लिखिएगा यहीं पर, explanation जल्दी दो तो points में दो, due to large positive charge on the nucleus due to large positive charge on the nucleus, the electrons are pulled in due to large positive charge on the nucleus, the electrons are pulled in more close to the nucleus. Electrons are pulled in more close to the nucleus and the size of atom decreases अब एक बराबर में मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम हर एक में सोडियम मैग्नीशियम हम थर्ड पीरियड की हर एक में बात करते चल रहे हैं. ये हमारा बीच में हो गया न्यूक्लियस. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2811 होता है एटॉमिक नंबर. तो पहले शेयर में तो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 दूसरे में एट हो गए. और जो तीसरा शेल है तीसरे शेल में आएगा एक इलेक्ट्रॉन ओनली 1. ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो सोडियम की बात हुई. तो जब भी हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं. जैसे मान लीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन्स 11 ही है, 11 प्रोटॉन्स है. जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं. तो मैंने ये कहा कि 11 ही इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 था. तो 2 ये हो गए, 8 ये हो गए और 1 ये, यानी कि टोटल 11 हो गए. अब ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर इसका एटॉमिक मास 22 होगा, 23 होता है क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, इसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होता है. तो देखिएगा, हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन तो फैले पड़े हैं सारे इधर उधर अलग अलग घूम रहे हैं, लेकिन जो जो इसके प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स सारे के सारे कंसंट्रेटेड है एक जगह. कहाँ है, न्यूक्लियस में. तो न्यूक्लियस बहुत ताकतवर हो गया, न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह कंसंट्रेटेड है. न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा. ठीक है, क्यों खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक एक तो इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा इसको खींचा, थोड़ा सा इसको खींचा, थोड़ा सा इसको, क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह होते तो खींचने में प्रॉब्लम होती, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो उनको खींच के रखता है. और ये न्यूक्लियस ही है जो एटम को एक्सप्लोड नहीं होने देता, ये तो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो सकता है. ठीक, एटम बॉम्ब का कॉन्सेप्ट यही है कि न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियस ही होल्ड करके रखेगा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स. और क्या हुआ, अब मैं बात करता हूँ सोडियम के बाद मैग्नीशियम की. तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन, तो जो 12 इलेक्ट्रॉन है वो इसी शेल में तो ऐड होगा, इसी वाली शेल, ये इस शेल में ऐड हो गया. और जब 12 होगा तो 12वां जो प्रोटॉन है भाई, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं. तो जो 12 जिसका एटॉमिक नंबर है, तो 12वां जो प्रोटॉन है वो अंदर चला गया, न्यूक्लियस के अंदर ही चला गया, है ना. तो इसने तो न्यूक्लियस की ताकत को और बढ़ा दिया, एक तो पहले से ही कंसंट्रेटेड था उसकी ताकत को और बढ़ा दिया, और जो इलेक्ट्रॉन था वो बेचारा तीसरे शेल में ही आया तो न्यूक्लियस और स्ट्रांग हो गया, तो न्यूक्लियस ने उसको और अपनी तरफ खींचा, न्यूक्लियस ने और उसको अपनी तरफ खींचा, तो एटम क्या हुआ, श्रिंक हो गया एटम, क्योंकि उसने और उसको क्लोज अपनी तरफ खींचा तो एटम और श्रिंक हो गया. फिर आ जाते हैं एल्यूमिनियम पर. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13,
इसका 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 13, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, कहां सेम शेल में ऐड हुआ, सेम शेल में ऐड हुआ, और एक प्रोटॉन वो फिर से न्यूक्लियस में आ गया, न्यूक्लियस और स्ट्रांग हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज और स्ट्रांग हो गया, तो वो उसको और अपनी तरफ क्लोज खींचता है, और क्लोज खींचता है तो एटम और श्रिंक होता है। तो इस तरीके से एक एक करके इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में ऐड होता जाता है, बताया ना द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एडेड टू द सेम शेल, वो सेम शेल में ऐड होता जाता है एक एक इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जो है प्रोटॉन न्यूक्लियस में इकट्ठा होता जा रहा है, न्यूक्लियस पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव है, तो वो उसको और ज्यादा पॉजिटिव कर रहा है ना, तो क्या करेगा कि आउट और न्यूक्लियस को क्या करता है, इस आउटर मोस्ट शेल को तो खींचना है, कोई दूसरी शेल तो आई ही नहीं इसमें, तो वो क्या करेगा और ताकतवर हो जाएगा, और खींचेगा और ताकतवर हो जाएगा और खींचेगा, तो जितना वो अपनी तरफ खींचता जाएगा ना इन शेल्स को, उतना ही एटम का रेडियस वो श्रिंक 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 होता जाएगा, एटम का रेडियस श्रिंक होगा तो उसका एरिया श्रिंक होगा, वही एटम का साइज। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? यस सर। बताइए अक्षत, भव्या, दीपांशी, रुद्रांश, पार्थ। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, तो ये तीन प्रॉपर्टीज कर दीजिए, इसकी तीन प्रॉपर्टीज ही और बची, छोटी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं इसको कल करूंगा और कल करके इसका साथ साथ आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे चैप्टर, ठीक है। और अभी अगले 4-5 दिन बेटा क्लासेस जो है ना वो सिर्फ ऑनलाइन होगी, मैंने सबको पहले भी बताई है, ठीक है। ओके सर। ओके जी, ओके, नमस्ते।